आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, एग्री वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। एग्री कमोडिटी के वीकली आउटलुक की अगर बात करें तो एग्री के अंदर काफी डिफरेंट व्यू के साथ मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दिया, काफी असमंजस वाला था। जहां पे हमने देखा कैस्टर की अगर बात करें तो लोअर लेवल से काफी शानदार रिकवरी आई है, बट प्राइजेस के अंदर अभी भी एक दबाव कंटिन्यू बना हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि कैस्टर के अंदर चाइना का काफी बड़ा रोल है और जिस ढंग से कोरोना का कंसर्न चाइना पे वापस मंडरा रहा है, कैस्टर के अंदर हमने एक दबाव भी देखा, क्योंकि मील के एक्सपोर्ट पे, ऑयल के एक्सपोर्ट पे इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो कैस्टर के अंदर 3.5% का गेन्स आते हुए देखा। मसाले काफी शानदार रहे हैं, जहाँ पे हमने धनिये में 9% की तेजी, जीरे के अंदर 4% की तेजी, हल्दी में 1% की तेजी बनते हुए दिखी। वहीं गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर अभी भी दबाव है, जहाँ पे 2.5% की गिरावट गवार सीड में, 1.5% की गिरावट गवार गम में आता हुआ दिखाई दिया। कॉटन और कॉटन सीड ऑयल के अंदर भी एक डिफरेंट व्यू बनता हुआ दिखाई दिया, जहाँ पे कॉटन में तो हमने 3% की तेजी आती हुई देखी, जिस ढंग से सोइंग के आंकड़े धीरे धीरे आने चालू हो चुके हैं। वहीं कॉटन सीड ऑयल के अंदर 4% की गिरावट आती हुई दिखी। वहीं मेंथा की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी गिरावट थी। ओवरऑल इंडिविजुअल अगर कमोडिटी की बात करें तो कैस्टर में हमने देखा कि सोइंग भी थोड़ी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, चाइना से एज ऑफ नाउ डिमांड नहीं है, इसलिए मार्केट एक दायरे में है। बट टेक्निकली अगर हम देखें तो 7550 का की रेजिस्टेंट है, अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो डेफिनेटली एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आता हुआ दिखाई देगा, जो 7700 का भी लेवल तोड़ दे। अगले हफ्ते के लिए 7350 के ड्रॉप पे लेके चलिए, 7550 से 7620 तक के लेवल हम कैस्टर में आते हुए देखेंगे। वहीं मसालों की अगर बात करें तो शानदार रिकवरी पूरे मसाले पैक में बनते हुए दिखाई दिए, लेकिन हायर लेवल पे प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। खास करके हल्दी की बात करें तो 8150 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट बना हुआ है। अगर प्राइस 8100 के ऊपर निकल जाता है तो हम देखेंगे कि प्राइजेस 8350-84 भी दिखा दे, बट स्विंग सामने है और उम्मीद की जा रही है कि जिस ढंग से ऑयल सीड में मोमेंटम है तो फार्मर का रुझान ऑयल सीड में ज्यादा है, तो मे बी पॉसिबल है हल्दी के एरियाज में कुछ कमी आ सकती, बट एज ऑफ नाउ बोलना थोड़ा मुश्किल है। टाइमिंग मार्केट एक दायरे में रहेगा, जो 7700 से 8150 का दायरा रहेगा अगले हफ्ते के लिए भी। वहीं जीरे की अगर बात करें तो जीरे में हमने देखा चाइना मार्केट ओपन होने की वजह से प्राइजेस में अच्छा गेन्स जरूर आए थे, बट अभी भी डिमांड कंसर्न बनी है, तो प्राइजेस 22000 के ऊपर बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही है। नोडा ये हफ्ते में हमने जो गेन्स देखे हैं, अगले हफ्ते में थोड़ा सा इरोजन होता हुआ दिखाई देगा। 21700-750 की रेंज में फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, जो 22200 का इंपॉर्टेंट हर्डल है। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो 22600 तक के लेवल हम जीरे में देख पाएंगे। धनिया ने काफी शानदार रिकवरी दिखाई है, जैसे हमने पहले भी बताया था कि प्राइजेस 11600 का रेजिस्टेंट है और 10800 का सपोर्ट है, और इसी दायरे में पिछले दो हफ्तों से मार्केट ट्रेड कर रहा था, बट जैसे 11600 का लेवल ब्रीच हुआ हमने एकाएक प्राइजेस के अंदर सर्किट भी लगते हुए देखे और हायर साइड में 12400 तक का एक उछाल देखा है। टाइमिंग, ये उछाल मार्केट को डाइजेस्ट करने के लिए हफ्ता भर और लगेगा। पिछले 3 सेशन से हमने देखा 12-12100 के बीच में मार्केट स्टैग्नेंट है, जिसकी वजह से एक कंसोलिडेशन ले रहा है। देखिए ओवरऑल जैसे हमने व्यू रखा था कि मिड जुलाई से लेकर सितंबर मिड तक धनिया के प्राइजेस में कंटिन्यू सपोर्ट बना रहेगा, पॉजिटिवनेस बने रहेगी, वो अब कायम है। थोड़ा पुलबैक अगर 11700-800 की रेंज में मिलता है, डेट विल बी वेरी गुड टू बाय। 12400 के ऊपर निकलने पे 12800 का इमीडिएट टारगेट है, बट ध्यान रखिए अगले 1.5-2 महीने तक प्राइजेस पॉजिटिव रहना चाहिए। वहीं गवार कॉम्प्लेक्स में एज ऑफ नाउ वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना के चलिए। रिग काउंट्स हमने पिछले 3 हफ्तों से कंटिन्यू 1-by-1 बढ़ते हुए देख रहे हैं, यूएस में प्रोडक्शन बढ़ता हुआ देख रहे हैं, बट यूएस में इन्वेंट्री भी काफी बढ़ी हुई है एज ऑफ नाउ, जिसका कहीं ना कहीं गवार पे कोई इतना इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। रुपए की गिरावट एक्सपोर्ट को जरूर सपोर्ट करेगी, बट गवार अब एज ऑफ नाउ मानसून को लेकर और सोइंग को लेकर काफी हम बोल सकते हैं एग्रेसिव है। जिस दिन से मानसून और सोइंग के आंकड़े आएंगे वैसे ही मार्केट मूव करेंगे, ठीक है। टेक्निकली अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा ओवरसोल्ड में है, 5000 का साइकोलॉजिकल लेवल गवार सीड और 9200 का लेवल गवार गम होल्ड जरूर कर रहा है, बट एक कंफर्मेटिव बाइंग के लिए 5400 के ऊपर गवार सीड को होल्ड करना
और 10,200 का लेवल गवार गम को होल्ड करना बहुत जरूरी है। अंटिल देन टेक्निकल पे इंट्राडे में अगर आपको बाय दिखता है तो बिल्कुल बाय या सेल कर सकते हैं, बट 5400 और 10,200 का लेवल ध्यान रखिए। इसके ऊपर जाने पे ही हम एक कंफर्मेटिव स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट देखेंगे, बट ये लेवल काफी अट्रैक्टिव है। बट जैसे हमने देखा पूरे एग्री या नॉन एग्री कमोडिटी की बात करें तो यहाँ पे हमने कमोडिटी मार्केट से फंड आउट होते हुए देखा है, मार्केट में लिक्विडिटी क्रंचस है, इसलिए कोई भी लोअर लेवल पे भी कोई भी कमोडिटी पे बाइंग नहीं करना चाहता क्योंकि पैसिमिस्टिक सेंटीमेंट बने हुए, तो थोड़ा संभल के ट्रेड किए। सिमिलर हाल हमने कॉटन सीड ऑयल केक में देखा जहाँ पे हाजिर मार्केट के मुकाबले 10% डिस्काउंट पे फ्यूचर मार्केट ट्रेड कर रहा है। एज ऑफ नाउ ऐसी कोई न्यूज नहीं है जो प्राइजेस पे इतना दबाव ला रहे हैं, बिकॉज दूसरी तरफ हम देखते हैं कॉटन में जब पहले वीक में बताया जा रहा था कि 20% से ज्यादा का एरिया बढ़ेगा, बट वहां पे 3% का एरिया बढ़ा है खाली, तो अगर पिछले साल का क्रॉप साइज अगर आ भी जाता है तो कहीं ना कहीं पाइपलाइन पूरी खाली है, आगे पूरा सीजन बाकी है। तो आई थिंक सम डिस्पैरिटी कॉटन सीड ऑयल केक में इस वक्त चल रही है। ऐसे टाइम पे मार्केट से दूर रहना ज्यादा अच्छा है। हाँ, प्राइस वाइज 2500 का लेवल बहुत अच्छा जरूर है, बट मार्केट में कुछ बाइंग एक्टिविटी नहीं दिख रही। जब तक देखिए मार्केट में पैसा नहीं आएगा और बाइंग एक्टिविटी नहीं दिखेगी, प्राइसेस को सपोर्ट नहीं आएगा। पिछले हफ्ते हमने देखा हार्मोनिक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था 2530 की रेंज में और वहां से हमने 2680 तक का भी लेवल देखा, बट कहीं ना कहीं डर मार्केट में ऐसा बना हुआ है कि बाइंग होने के बाद तुरंत प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में हिट हो जाती है। बट हाँ, टेक्निकली मार्केट लग रहा है कि एक बार अगर 2480 के लेवल जब तक होल्ड है वीकली बेस पे, 2580 से 2620 का एक पुलबैक देखने मिल सकता है, लेकिन लिक्विडिटी कमजोर बहुत ज्यादा है, संभल के ट्रेड कीजिए। कॉटन के अंदर उसके विपरीत इंटरनेशनल में 91 सेंट का लेवल प्राइसेस अच्छे से होल्ड करके चल रहा है, एक पुलबैक 97-98 सेंट तक का लेवल दिखा देगा। डोमेस्टिक मार्केट पे भी सोइंग तो अच्छी है पिछले साल जितनी है, लेकिन जो मार्केट में एस्टिमेट लगाया जा रहा था कि 20-15% सोइंग बढ़ेगी, वैसा सीन नहीं है। इनफैक्ट बटिंडा साइड में न्यूज ये भी आ रही है कि पिंक बॉल वॉर्म की कंसर्न्स आने लग गए हैं, तो संभल के ट्रेड कीजिए, बिकॉज अगर एरिया में ड्रॉप आया तो आप समझ के चाहिए अगला साल भी कहीं ना कहीं कॉटन की कमी से जूझना पड़ेगा, क्योंकि अब पेंडेमिक के बाद सभी जगह पे कॉटन की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। नो डाउट रिसेशन के खतरे के चलते यार्न मार्केट थोड़ा टाइट जरूर है, बट चाइना मार्केट अब ओपन अप हो चुका है, जिसकी वजह से पूरी कमोडिटी में एक वापस बाइंग लौटती हुई दिखाई देगी। जिस ढंग से चाइना ने स्टिमुलस की घोषणा की है, ये कमोडिटी मार्केट के लिए अच्छा है। तो कॉटन में हमें लगता है 40,000 से 44,000 का रेंज रहेगा, बाय ऑन ड्रॉप रखिए। कॉटन सीड ऑयल केक में संभल के ट्रेड कीजिए, लेकिन हाँ 2556 के ऊपर निकलने पे 2620 तक का पुलबैक मिलेगा। और अंत में मेंथा की बात करें, 10-12 अगस्त के बाद कहीं ना कहीं मेंथा के अंदर एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अराइवल काफी ड्रॉप हो जाएगा। टाइमिंग मार्केट 1,000 से लेके 1,030 के बीच में ट्रेड करेगा, 1,030 के ऊपर निकलने पे 1,070 तक का लेवल भी दिखा दे, बट करंट लेवल पे बेचना या शॉर्ट करना जोखिम भरा रहेगा, एक पुलबैक जरूरी है। धन्यवाद। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।